स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। वेलकम टू द फैमिली। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आप हमारी कंपनी को जरूर ऊंचाई तक ले जाएंगे। मतलब मुझे जॉब मिल गई? Yes, of course. गणेश शर्मा प्लीज। आपके पास जीके की बुक है जनरल नॉलेज की? मुझे आईफेल टावर की हाइट देखनी थी। जरा आपको अलास्का का मिनिमम टेम्परेचर पता है? हाँ? अरे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये जनरल नॉलेज के चक्कर में मत पड़ो। तुम सीमेंट का रेट पता है तुम्हें? लोहे का रेट मार्केट में क्या चल रहा है पता है? रियल एस्टेट कब अप होती है कब डाउन होती है कुछ पता है तुम्हें? दिल्ली के किस एरिया में रियल एस्टेट का क्या भाव चल रहा है पता है आपको? बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, प्रॉपर्टी एक्ट, कुछ पता है तुम्हें? कुछ नॉलेज है? और भी काफी सारी बातें हैं। व्हाट इज दिस जनरल नॉलेज? मुझे तो बस अनु का रेट पता है। वी विल कांटेक्ट यू लेटर। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएं। यस ऑफ कोर्स। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों ने किसी को फाइनलाइज किया है? अभी नहीं, अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं। कॉल दिस मैन, इसे नौकरी पर रख लो। इलेश भारद्वाज। हमें जिस कैंडिडेट की तलाश थी ये परफेक्ट है। बट रिस्की नहीं होगा मैम? मैं इसे मिल चुकी हूं, आप बस इसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। ओके मैम। वेट, पहले मुझे जाने दीजिए। मैं इसे जानती हूं लेकिन ये मुझे नहीं जानता। And by the way, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये जॉब उसे किसी की रिकमेंडेशन पे मिली है। Am I clear? Yeah. Good. इलेश भारद्वाज, प्लीज। मिस्टर इलेश भारद्वाज, प्लीज टेक योर सीट। अब अपने बारे में कुछ बताइए। यस, माई सेल्फ इलेश भारद्वाज, आई स्टैंड 5'11" और मैं यही रहता हूँ चावड़ी बाजार में। अच्छा मिस्टर इलेश, आप रेती, सीमेंट, स्टील, बालू वगैरह उसके बारे में जानते हैं? यही कि रेती, बालू और सीमेंट ये तीनों चीजें कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है। कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, बचपन से लेके अब तक मैंने कई सारी बिल्डिंगें बनते हुए देखा है काफी कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब आपको इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है? हाँ। Welcome to the family.
हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आप हमारी कंपनी को जरूर ऊंचाई तक ले जाएंगे। हाँ, मैं अभी सोच ही रहा था कि क्यों ना हम अपनी कंपनी को 5th फ्लोर से 10th फ्लोर पे शिफ्ट कर दें, तो कंपनी का नाम अपने आप ऊंचा हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तो आप सैलरी के बारे में बात कर लीजिए। सैलरी पे मतलब मुझे जॉब मिल गई? यस ऑफ कोर्स। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अरे सर, आजकल के जमाने में तो अपने बाप से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत प्यारा है। एनीवे 15,000 ठीक रहेगा? 15,000 कम है। 20,000 20,000 अरे 20,000 में तो मिस्टर भारद्वाज 25,000 पे लॉक कर देते हैं। 25,000 मेरे जैसे कैंडिडेट को 25,000? देखिए मिस्टर भारद्वाज, हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए 30,000 लेट्स लॉक इट। 30? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। चॉकलेट? मैं कहाँ खाती हूँ चॉकलेट जो ठूस दिया एकदम मुंह में। खाइए खाइए, आपकी सुहाना ने दिया है। और पता है सुहाना को चॉकलेट किसने दिया? बाऊजी ने। मिठी के लिए सुहाना को इनाम में बाऊजी ने चॉकलेट दिया। अच्छा, वैसे इस लड़की में कुछ तो बात है, खुद तो सुधरी नहीं औरों को बिगाड़ दिया। क्या और ये? मुझे पता है, आपको हमेशा सुहाना पे एक अनजाना सा विश्वास रहा है ना। अब मुझे हमेशा ये डर लगा रहा कि वो एक दिन हमारे ईशान को और इस घर को छोड़ के चली जाएगी। पर अब तो सुकून मिला ना मेरी माँ। पर मैं भी क्या करती, जिस तरह की बातें उसने अपने पिताजी से कही थी उन्हें सुन के तो कोई भी डर जाता। हर रिश्ता पनपने के लिए थोड़ा समय तो लगता है राधा। जैसे पेड़ उगता है, बढ़ता है, फिर जाके फलता है। इतने बड़े परिवार को समझना, उसके रंग में ढलना, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। कोई किसी का एक दिन में इतना प्यारा कैसे बन सकता है? मतलब सुहाना ईशान से प्यार करने लगी है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? ये तस्वीर देखो और बताओ कि इन दोनों में किसमें तुम्हें झिझक दिखाई दे रही है? और कौन? हमारा उल्लू ईशान। कैसा लग रहा है? और इस लड़की को देखिए, इसे देख के लगता ही नहीं कि ये अपने ससुराल में है। मतलब कोई झिझक, कोई शर्म। और ईशान को देख के लग रहा है जैसे अपने ससुराल में बैठा हो। मैंने कहा है, हमारे ईशान के लिए बस सुहाना जैसे लड़की की ही जरूरत थी। दीदी? हाँ दीदी। अरे राधा, तुम भी आओ। चलो अच्छा है। नहीं 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 बाबा, मैं डाइटिंग में हूँ। दीदी, माजी की सहेली आ रही है ना अनुपमा मौसी, उनको तोहफा तो देना होगा ना। हाँ, खरीदेंगे ना। किस
किसकी तस्वीर है? तुम्हारी प्यारी सी बहू की। हाँ तो क्या कह रही थी, अनुपमा मौसी के लिए ना साड़ी खरीद लेते हैं। सुहाना को भेज देते साड़ी खरीदने, उसकी अच्छी चॉइस है। अरे नहीं 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 ना पापा ना, सुहाना को नहीं भेजना। क्यों? अरे आप दोनों भूल गए, वो 1000 रुपए में वॉशिंग पाउडर और बेसन खरीद के लाई थी। आप जरा सोचिए, अगर साड़ी लेने जाएगी ना तो पूरे कारपेट के दाम पर खरीद कर लाएगी। लेकिन पता है दीदी, जितनी तकलीफ हमें अपने बच्चों को पालने में नहीं हुई ना, वो सारी कसर इस लड़की ने पूरी कर दी है। ए रानू जी, क्या कर रही है? क्या मेरी बहू की बुराई कर रही हो? अरे अब कैसी शिकायत। अब तो काफी हद तक सुहाना ने हमारे परिवार को कबूल किया है। कितनी घुल मिल गई है ना, माँ से लेके मीना तक। मैं तो हमेशा से कहती थी सुहाना हमारे परिवार के लिए बनी है, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।